ओम हनु हनुवंते नमः। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभ टेंपल पर। और आज हम आपके सामने लाए हैं, क्या नीम करोली बाबा हनुमान जी के दर्शन करते थे, क्या नीम करोली बाबा हनुमान जी को साक्षात प्रणाम करते हुए उनके दर्शन पाते थे। जी हाँ दोस्तों, नीम करोली बाबा जो कि एक महान संत, जो कि परमहंस नीम करोली बाबा, जो कि साक्षात्कार को समर्पित श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित इनलाइटन मास्टर थे। तो सुनिए, रामदास उनके सबसे प्रमुख शिष्य रामदास का यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में रामदास बता रहे हैं कि कैसे नीम करोली बाबा अत्यंत महान एवं नीम करोली बाबा के चमत्कारों के विषय में बात कर रहे हैं। रामदास नीम करोली बाबा के प्रमुख शिष्यों में से एक है, जो कि अमेरिका से भारत आए एवं बाबा नीम करोली से केची धाम में मिले। केची धाम में बाबा जी का निवास स्थान था, वहीं पर बाबा नीम करोली बाबा सुबह सुबह जब भी स्वयं में ध्यान करते थे, उसी समय कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन होते थे साक्षात रूप में। वह साक्षात हनुमान को स्वयं के सामने पाते थे। उनका ध्यानात्मक जीवन उन्हें हनुमान जी के बहुत करीब ले गया था। अपने अंतिम समयों में श्री राम 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 श्री राम का जप करते हुए वे यह एक बात बताते हैं कि राम ही हनुमान तक पहुंचने का सबसे उत्तम साधन है। नीम करोली बाबा एक चमत्कार के रूप में एक अत्यंत महान ऋषि परंपरा ऋषि कुल को आगे बढ़ाते हुए भारत के केची धाम में निवास करते हुए श्री हनुमान जी को अपने समीप पाते थे। श्री हनुमान जी की कृपा बाबा नीम करोली पर तब हुई जब बाबा नीम करोली को साक्षात्कार में स्वयं का अवलोकन हुआ। जब बाबा नीम करोली को स्वयं का अवलोकन हुआ तब उन्होंने पाया कि उनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने ही उन्हें परमहंस दशा अर्थात महासमाधि अर्थात हमें इंग्लिश में कह सकते हैं एनलाइटनमेंट का मार्ग दिखाया था। हनुमान जी की कृपा से ही बाबा नीम करोली को साक्षात्कार ध्यान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हनुमान जी जिसके भी साथ होते हैं उसका परमहंस होना तो बिल्कुल तय है। महाराज तुलसीदास जी के साथ भी यही हुआ था। हनुमान जी ने ही उनसे उनकी भेंट रघुनाथ जी से कराई थी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कलयुग में बाबा नीम करोली ने फिर से हनुमान जी का वरण किया, हनुमान जी का श्रवण किया। इससे हमें यही प्राप्त होता है
कि श्री राम जी का अगर हमें श्री राम का मार्ग खोलना है तो हमें हनुमान के पास जाना होगा, अगर हमें हनुमान का मार्ग खोलना है तो हमें श्री राम जी के पास जाना ही होगा। बाबा नीम करोली एवं उनके अनेक शिष्य हुए। बाबा नीम करोली के अनेक शिष्य अमेरिका में बहुत सारे शिष्य बाबा नीम करोली के हुए। तब से लेके अब तक महान लोग, महान व्यक्तियों ने बाबा नीम करोली को फॉलो किया। भारत वंश के एक महानतम ऋषि बाबा नीम करोली, जो कि उत्तराखंड के केची धाम में स्थित है, वहीं पर रहते थे, वहीं पर निवास करते थे, एवं हनुमान जी के बारे में बाबा नीम करोली का बहुत ही एक भक्ति भावना से परिपूर्ण, उनका एक भक्ति भावना से परिपूर्ण भजनमय युक्त जीवन रहता था। सुबह से उठते हैं से ही वह राम 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 एवं सर्वदा आप उन्हें राम राम करते देखें या ना देखें, किंतु वह उनके मन ही मन में राम नाम की जब राम नाम की रट लगाए रहते थे। राम नाम की रट लगाए रहने से हनुमान उनके बहुत करीब आ गए थे। ऐसे कहा जाता है कि बाबा नीम करोली राम नाम की रट सर्वदा लगाए रहते थे और सर्वदा राम नाम की रट लगाए रहने से उनके अत्यंत करीब हनुमान जी आ गए थे। हनुमान जी उनके करीब रहना बहुत पसंद करते थे, या फिर कह दिया जाए कि हनुमान जी का आशीर्वाद बाबा नीम करोली पर इस प्रकार हो गया था कि बाबा नीम करोली भी राम रस में हो गए थे। राम रस में होने के ही कारण वह अत्यंत चमत्कृत हो गए थे। अत्यंत चमत्कृत होने के कारण उनके आसपास चेले चपाटियों की भीड़ लगी रहती थी। बाबा नीम करोली एक सत्यवाचन, एक महान ऋषि बाबा नीम करोली, महान व्यक्तियों के गुरु बाबा नीम करोली, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व किंतु भक्ति भावना से पूर्ण, रसमय, प्रेम पूर्ण, रसमय एवं हनुमान जी को प्रिय, श्री राम जी को प्रिय, क्योंकि वह भक्ति भावना में ऐसे डूब गए थे कि स्वयं राम एवं स्वयं हनुमान भी उन्हें दर्शन देने से मना नहीं कर सके। इससे हमें यही ज्ञात होता है कि बाबा नीम करोली तो राम रस में डूब कर ही अत्यंत परमहंस दशा को प्राप्त हुए। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं भक्तों, प्रिय जनों, राम रस में डूब जाएं, हनुमान को प्राप्त करें, राम को प्राप्त करें, राम नाम रट में लगाएं, और जिससे कि हमें बाबा नीम करोली का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें श्री राम नाम के रस में डूबने का अवसर प्राप्त हो। राम नाम खोले द्वार। हमारी आज की कथा थी बाबा नीम करोली के बारे में। बाबा रामदास एवं कृष्णदास उनके बहुत ही प्रिय चेले थे, या फिर कह सकते हैं कि उनके चेले, जो कि आगे जाके उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी बातें कहीं, लेक्चर्स दिए, दुनिया भर में घूमे, और वह बाबा नीम करोली को अत्यंत पसंद करते थे, बाबा रामदास एवं बाबा कृष्णदास। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे लोगों ने बाबा नीम करोली का वर्णन किया, बाबा नीम करोली के चरणों में स्वयं को अर्पित किया, एवं वहीं से हनुमान जी एवं राम जी का रसगान किया। हम भी बाबा नीम करोली के चरणों में स्वयं को अर्पित करते हैं, श्री हनुमान जी एवं राम जी के चरणों में स्वयं को अर्पित करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। मैं शुभम जोशी आपसे आज्ञा लेता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।